हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्नेह मीडियम में। तो गाइस, आज मैं बहुत दिनों के बाद स्टोरी टाइम लेके आया हूँ। तो आज मैं आपको स्टोरी टाइम सुनाने वाला हूँ, अपनी रियल लाइफ स्टोरी टाइम। और वीडियो का टाइटल जहाँ तक आपने देख ही लिया होगा, ब्लूबक बना दिया फिट टॉक्सिक किलर सोरिया गेमिंग। आपको नहीं पता होगा टॉक्सिक किलर सोरिया गेमिंग कौन है? जी हाँ, सोरिया ही है, मेरा भाई टॉक्सिक किलर सोरिया गेमिंग न्यू चैनल बनाया है, तो उसे जाकर सब्सक्राइब करो। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जाकर सब्सक्राइब कर देना यार। और सुनो तो गाइज, आज जो स्टोरी टाइम है बहुत ज़्यादा कॉमेडी है, तो सुन लेना यार, जो हम लोगों ने रियल लाइफ में घटी है। तो इंडिपेंडेंस डे की बात है 2016 में, 15 अगस्त 2016 की बात है। इंडिपेंडेंस डे का दिन चल रहा था, तो हमें दादाजी ने सोरिया के नाना जी लगेंगे, तो उन्होंने हमें 200 रुपया दिया था ऐसे जेब खर्ची के लिए, स्पेशल दिन था इसीलिए। तो मैं और सोरिया निकल गए शहर पे ऐसे ही घूमने लगे। तो घूमते घूमते हम चले गए मेन रोड, रांची का एक है बहुत स्पेशल जगह मेन रोड, तो बहुत मतलब कि सुंदर जगह है, तो वहीं हम घूमने चले गए। तो वो मतलब कि रांची का ना मेन मतलब कि मार्केट जहाँ खरीदारी करते हो, क्या वो सब हटा, मतलब हम वहाँ घूम रहे थे तो हमें भूख लगी हुई थी जोड़ों की, तो हम सोचे चलो यार कोई रेस्टोरेंट में चलते हैं सस्ता सा, तो वहाँ चले गए। लेकिन वो भी सस्ता सोचा, लेकिन वो महंगा ही था, लगभग हर रेस्टोरेंट महंगा ही रहता है यार लगभग। तो हम वहाँ चले गए, तो हमने वहाँ पर एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, और फार्म फ्रेश पिज़्ज़ा नाम था, पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। तो फिर हम इंतज़ार करने लगे पिज़्ज़ा का, तो फिर सोरिया ने कहा यार बहुत पैसे खर्चे हो जाएंगे, चल चुपचाप कहीं ठेला खा लेंगे इधर, जहाँ तू रहता है उसके घर की तरफ, वहीं हम लोग कुछ खा लेंगे, चलो यार। तो बोले चलो ठीक है। तो फिर मैंने बोला अरे हम लोग तो ऑर्डर कर दिए हैं। तो बोला छोड़ो ना, आएगा ऑर्डर, हम लोग को क्या मतलब है उससे, अपना ऑर्डर आएगा अपना वापस लेके जाएगा, नहीं देखेगा। हमको बोले नहीं ऐसा भाई, धोखा मत दो। सोरिया बोलने लगा नहीं भाई, बहुत तेज़ भूख लगा है, बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, मतलब का 200 रुपये का पिज़्ज़ा था और टैक्स वैक्स मिला के 240-250 लग जाएगा, इससे अच्छा छोड़, तो हम लोग कहीं ठेला कहीं कुछ खा लेंगे। तो मैं भी मान गया, मैं भी उसके बाद निकल लिया। मतलब गाइस, मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर करके, मतलब हम पिज़्ज़ा ऑर्डर करके भाग गए रेस्टोरेंट से, मान लो अंदर पिज़्ज़ा बन रहा होगा, वो पिज़्ज़ा लेके बाहर आया होगा, उसने देखा होगा कहाँ है यार बे, मतलब उसके आटे उसके सामान खर्च कराए ना हमने। तो भाई मैंने सोरिया को थोड़ा सा रास्ता में डांटा भी, बोला कि क्या यार तू भी यहीं से खा लेता, पैसे लगते लगते ऑर्डर ना कर दिया था, अगर ऑर्डर नहीं करता तो बात अलग थी। फिर बोला छोड़ो पिज़्ज़ा खुद खा लेंगे, बोला जो बना जाए किसी और को दे। तो गाइस यही थी मेरी न्यू स्टोरी टाइम। तो गाइस ये स्टोरी टाइम आपको आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आएगा लाइक कर देना, चैनल पर को सब्सक्राइब कर देना। गाइस मैं वन वीक पे कोई स्टोरी टाइम डालूंगा, चाहे वो भी हो जो भी हो, रियल टाइम जाके कोई यूट्यूबर के ऊपर कुछ भी हो, लाइक जरूर कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।